अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। और दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ किस्म की खाने पीने वाली जो चीज़ों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ और इनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक गज़ा को सिलेक्ट किया है। बेसिकली ये सी फूड है और दोस्तों, जो समुंदर से हाथ खिलाने वाली प्रोटीन गज़ाएँ, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल के साथ जो है सी फूड के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, इनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताऊंगा, इनके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, इनके बेनिफिट्स बताऊंगा। चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए सी फूड्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। और दोस्तों, सी फूड के हवाले से मुख्तलिफ किस्म इसमें क्रीचर्स पाए जाते हैं। और दोस्तों, इसमें क्रैब पाया जाता है यानी केकड़ा, ऑस्ट्रस पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म सीप पाए जाते हैं। और दोस्तों, फिशेज भी सी फूड में आती है, प्रॉन्स पाए जाते हैं इसमें, श्रिम्प पाए जाते हैं, ऑक्टोपस होता है, स्किड्स होते हैं और जेल फिश होती है। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, गुड फैट पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं सी फूड। और दोस्तों, विटामिन ए, बी, सी और ई से भरपूर होते हैं। विटामिन एच भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है इनमें। और हाई मिकदार के अंदर इनके अंदर आयोडीन पाई जाती है, जिंक पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और फाइबर की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। और दोस्तों, जो सी फूड है बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है, इसमें कैलोरीज कम होती है, जिसम को तवा नहीं देते हैं, ताकत देते हैं ये। दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम हाई मकदार में पाया जाता है, तो कमज़ोर हड्डियों वाले जो है अफराद जो है अपनी खुराक के अंदर इसे शामिल करें, तो कुछ अरसे के इस्तेमाल के बाद ही उनकी जो हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, उनके जोड़ मजबूत हो जाएंगे। और दोस्तों, ऐसे लोग जिनके मसल्स के अंदर यानी उजलात के अंदर दर्द रहती है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, अगर अपनी खुराक के अंदर सी फूड को शामिल कर लें तो उनकी हर किस्म की जो दर्द है वो दूर हो जाएगी, स्पेशली जोड़ों की दर्दों को दूर करने के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को पॉलिश करता है, स्किन के ऊपर एक शाइन लेकर आता है, ग्लो लेकर आता है। इसके इस्तेमाल से जो आपकी जो स्किन है स्ट्रेच हो जाती है, स्पेशल दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है, जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है। और दोस्तों, अगर वो अपनी खुराक के अंदर मुनासिब मकदार में समुद्री गज़ाओं को शामिल कर लें तो उनके जितने भी ये दिल के वाल बंद है वो ओपन हो जाएंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, ये दिल के दौरे से भी बचाएगा और दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, स्पेशली मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है, ऐसे कमज़ोर अफराद जो बांझपन का शिकार है, जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिनके उज़्वे तनासर में ढीलापन है, तो समुद्री गज़ाओं को इस्तेमाल करने से उनका जो ढीलापन दूर हो जाएगा, उज़्वे तनासर का लंबाई में भी इजाफा हो जाएगा, मोटाई में भी इजाफा हो जाएगा, उनके जो जिंसी के दूध है खसिए उनके साइज़ में भी काफ़ी जो है इजाफा हो जाएगा। खसियों को यह बड़ा करता है, मनी की मकदार को ये बढ़ाता है, मनी को गाढ़ा करता है और जितनी भी कमज़ोरी है दूर करता है। और दोस्तों, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करता है और स्पेशल बॉडी बिल्डिंग अफराद के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और दोस्तों, समुद्री गज़ाओं को रेगुलर इस्तेमाल करने से मर्दाना कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, जो मर्दाना जिंसी के दूध प्रोस्टेट है उसके कैंसर को दूर करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेहत के लिए बेहतरीन है ये। और दोस्तों, कुल मिला के मेल हजरात के लिए बहुत अच्छा है, इस वजह से मेल हजरात जो है अपनी खुराक के अंदर समुद्री गज़ाओं को लाजमी शामिल करें। और दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, कमज़ोर बसारत वाले जो अफराद हैं अपनी खुराक के अंदर समुद्री गज़ाओं को शामिल कर लें तो कुछ अरसे के बाद उनकी जो नज़र तेज़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मकदार के अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, अगर आप मुनासिब मकदार में समुद्री गज़ाओं को अपनी खुराक के अंदर शामिल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, अगर आपको किसी किस्म का ज़हनी तनाव, डिप्रेशन है, ज़हनी उलझन है उसे दूर करेगा, मूड को अच्छा करेगा। और दोस्तों, समुद्री गज़ाएँ जो है मूड को बेहतर करती हैं। और दोस्तों, ख़वातीन हमल के दौरान अगर इसे मुनासिब मकदार में लें तो बच्चा सेहतमंद पैदा होता है, डिलीवरी के टाइम जो है इतना दर्द नहीं होता, दर्द अज़ा को यह कम करता है। और दोस्तों, सांस की हर किस्म की बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको दम है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है या सर्दी की वजह से किसी भी किस्म का आपको सांस का कोई प्रॉब्लम है उसे दूर करता है, गले को यह ठीक करता है, आवाज़ को यह साफ़ करता है। तो स्पेशली सर्दियों के अंदर आप जो है समुद्री गज़ाओं को अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें। चले दोस्तों, ये तो थे समुद्री गज़ाओं के यानी सी फूड्स के बेनिफिट्स। चले दोस्तों, बात है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों, सी फूड की जो तबीयत है बेसिकली गर्म होती है, इस वजह से आप इसे मुनासिब इस्तेमाल करें। अगर आप इसे हाई मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मुख्तलिफ किस्म की स्किन एलर्जी हो सकती है, रैशेज पड़ सकते हैं, स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है,
मुंह के अंदर और गले के अंदर आपके छाले हो सकते हैं, आपको वॉमिट हो सकती है, दिल खराब हो सकता है आपका। और दोस्तों एक्सट्रीमली मृदा में इस्तेमाल करने से आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है आपको। तो दोस्तों आपने इस वजह से इसे मुनासिब इस्तेमाल करना है। इसका जो मुनासिब इस्तेमाल है, आप डेली से 100 से 200 ग्राम के करीब एक जो है एडल्ट बंदा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आप 50 ग्राम तक दे दें, बड़े जो अफराद ऐसे 100 से 200 ग्राम या मैक्सिमम एक पाव के करीब इसे यूज़ कर लें तो ये इसकी जो है मोतदिल खुराक है। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समुद्री गजाओं की यानी सी फूड्स के मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, न्यूट्रन फैक्ट्स बताएं, बेनिफिट्स बताएं और साइड इफेक्ट्स बताएं, पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।